तो वो क्या मुझे कबूल करेंगे कि हमारा बड़ा भाई है हमारे? यार उठे यार, यहाँ से जरा मुझे जगह दे। मेरे ना इस कॉन्फिडेंस में मेरे वालिद का बहुत रोल। पहले पे जो आपने क्रिटिसिज्म वाली बात की थी ना, हाइपर क्रिटिसिज्म वाली, उसमें मैं ना एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि चूंकि पेरेंट्स की अथॉरिटी है ना, तो उन्होंने करेक्ट भी करना है, लेकिन ना होता ही है कि पेरेंट्स यूजुअली जब क्रिटिसाइज करते हैं ना बहुत ज्यादा, तो उसका तरीका बहुत गलत होता है। यानी फॉर एग्जांपल मुझे करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे, मैं बड़ा हूँ घर में, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा हूँ, सब छोटे बहन भाई के सामने मुझे करेक्ट कर रहे हैं, मुझे अच्छा खासा बुरा भला कह रहे हैं कि तुम नालायक हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तो आपको क्या लगता है छोटे बहन भाई, मेरी भी तो उन पर अथॉरिटी है ना एक लेवल की, अप टू सम लेवल एक्सटेंड, तो वो क्या मुझे कबूल करेंगे कि हमारा बड़ा भाई है हमारा? और ये बहुत कम, मैंने बहुत से लोगों से कंप्लेंट सुनी है, टीनएजर्स से भी और एडल्ट से भी, वो कहते हैं हमारे घर में हमारा मुकाम ही नहीं है, हमारी कोई इज्जत ही नहीं, हमारी इज्जत ही नहीं है उसकी वजह। आपने करेक्ट करना है, बच्चे को बुलाएं, अकेले रूम में चले जाएं, प्यार से जैसे भी आपने करना है, जो भी आपका तरीका है, लेकिन आप अच्छे तरीके से अलहदा होकर करें। सेल्फ रिस्पेक्ट, जो आंटी पे भी कह रही थी, बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सलमान आसिफ सिद्दीकी हैं, वो एक बात बड़ी अच्छी करते होते हैं, कहते हैं कि वो एक हदीस है ना कि तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। तो वो कहते हैं कि क्या आपका बच्चा मुसलमान नहीं है? वो भी तो इंसान है ना, उसकी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है एक्चुअली। और फॉर एग्जांपल देखें, अली भाई बड़ा कॉमन चीज है हमारे, फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं, मेरे से बड़े हैं, मैं कहीं से भी बाहर से आता हूँ, मैं क्या कहूंगा कि अली भाई यार उठे यार, यहाँ से जरा मुझे जगह दे दें, अदब के खिलाफ बात है ना। हम बच्चे को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे, जबकि छोटे बच्चे को 3-4 साल है जो भी उसकी एज, हम कहते हैं यार इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, चल पुत्र उठ साइड, तो मैंने बैठना आके। और मैं आपको बताऊं, रिस्पेक्ट दिए बगैर आप रिस्पेक्ट ले नहीं सकते। रिस्पेक्ट एंड लव बोथ आर अर्नड। बल्कि मैं आपको ये बात, सॉरी अब्दुल, मैं आपको काट रही हूँ, मैंने जब बच्चों से बहुत ही कोई टफ पिल जो है ना उनसे निकलवानी होती है ना, तो आई गेट ओवर रिस्पेक्टफुल, क्योंकि ओनली देन आई कैन बाउंड देम इन दिस सिस्टम, अदरवाइज तो होते ही नहीं। एक डीएसपी साहब है, उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी बात बताई, तो उन्होंने कहा कि ना मेरे इसमें ना कॉन्फिडेंस में, माशाल्लाह इज वेरी कॉन्फिडेंट, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही कॉन्फिडेंट, मेरे दोस्त भी हैं, कहते हैं मेरे ना इस कॉन्फिडेंस में मेरे वालिद का बहुत रोल। मैं इनका कैसे, बचपन से कहते, वो मुझे कहता था, कहते थे ए मेरा मुंडा साहब है, साहब बस ये एक वर्ड कहते हैं, ये साहब है बस, जब ये आए ना कहते मुझे सर्व करना, मुझे बिठाना, अपने प्यार करना, कहते वो साहब का वर्ड ऐसा मेरे वहां बैठा है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को साहब फील करता हूँ। मोहम्मद अली, सैयदा फातिमा आती थी ना, तो अल्लाह के रसूल अपनी चादर बिछा देते थे, अपनी जगह से उठ के माथे को चूमते थे। तो ये यही बात अली भाई कि हमें ना एक तो उनको रिस्पेक्ट देनी है और आपने मोहब्बत अर्न करनी है। नॉर्मली हमारे कल्चर में पता क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि यार तुम ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे पे फर्ज है, तुमने मेरी बात करनी, फिर कुरान की आयत भी कोट करते हैं। जी जी, वो सब अपनी जगह पे है, अल्लाह ने हुक्म दिए हुए हैं, लेकिन क्या ऐसा पेरेंट्स ब्लैकमेल कर सकते हैं अपने बच्चों को कि नहीं आपने, हमने आपके सामने अच्छा रोल मॉडल नहीं बन सके हम सारी जिंदगी, हमने अपने मसले में सारी लड़ाइयों से और ऊंचा बोल के हल किया, लेकिन आप लोग जो हो ना, आप लोग नहीं अब कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ना रिस्पेक्ट दें, उनको मोहब्बत दें, फिर आप में जब कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाएगा, मोहब्बत बन जाएगी, आप लोगों का अच्छा रिलेशनशिप होगा बाप का बेटे से, माँ का बेटियों से, तो वो जो मसले मसाइल आप हमारे, हम बहुत से डिस्कस कर रहे हैं ना, उनकी रूट ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ की तरफ शुरू में आऊँगी, हमारे जो बच्चे ये सुन रहे हैं हमारी डिस्कशन, तो वो बहुत ही खुश हो रहे होंगे कि आज अम्मा अब्बा की तो ठीक हो रही है ना। लेकिन थोड़ा सा इस बात को बात कर लें कि बात ये होती है कि हम क्यों वालदैन को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। सबसे पहले हम जिस एज ग्रुप को हमने टारगेट किया है, ये हम टीनेजर्स को ले रहे हैं जो नासमझी की एज है, जो ज़्यादा वल्नरेबल है, ठीक है। उसमें ये है कि जब पेरेंट्स को अल्लाह ताला ऑनर देते हैं, तो ऑनर के साथ आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो हम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि दे आर ग्रोन अप, दे आर सक्सेसफुल, जो उनके वो जो छोटे बच्चे हैं वो तो बेचारे अभी प्रोसेस में है ना। तो ये इस बात को भी हमें समझना चाहिए, जहाँ तक बच्चों की बात है, ये बच्चों को भी समझ लेनी चाहिए बात। कहते हैं कि यू बॉर्न पुअर, दैट वाज योर फेट, बट यू डाई पुअर, दैट इज योर क्राइम। तो बात ये है कि आपको ये जो सारे मिल रहे हैं ना एजेस, ये सिर्फ आपको आपको छोटे होने तक मिल रहे हैं, आपको इस बात का बड़ा एहसास है। मैं इंडिविजुअल हूँ और हम भी यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि रिस्पेक्ट दो उनको, फाइन। जैसे ही आप इंडिविजुअल बन जाते हैं ना और आपको एक पोजीशन मिल जाती है, एक ग्रोन अप की और एक एडल्ट की, तो वहीं पर आप पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही आ जा सकती है। और बात यह है कि अब ठीक है, फादर से पूछा जाएगा कि उन्होंने क्यों नहीं जुबान का ख्याल किया, जैसे आप कह रहे थे ना मन सलीम अल मुस्लिम, कि वो सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि आप छूट गए, आप छूट गए। और आपकी अकल है इतनी, आप अपनी पढ़ाई की दुनिया में अपने दोस्तों के साथ बहुत जिम्मेदार एक्ट करते हैं, अपने कजन्स के साथ आपको अच्छी तरह पता है मैंने अपनी पोजिशन को कैसे एस्टेब्लिश करना है और मैंने कैसे अपनी रिस्पेक्ट को खराब नहीं होने देना, तो यहाँ पर भी आपकी वही जिम्मेदारी।